भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। वेलकम बैक सीपी आदू क्लासेस। आज यहाँ पर जो कोर्स मैंने पढ़ा है वो अवसरों के बारे में। जीवन में अवसर सबको मिलते हैं, कुछ लोग उनका बढ़िया से उपयोग कर लेते हैं और कुछ लोग उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जो लोग महान बनते हैं वो अवसरों की शिकायत नहीं करते। आज हम यहाँ पर टीच के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो यूजीसी ने सोशल वर्क यूनिट 1 से रिलेटेड। टीच मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क, जो समाज कार्य का सबसे पुराना स्कूल है, ठीक है, कॉलेज है। उससे पहले, डिस्कशन पर आने से पहले, हम यहाँ पर जो है अपनी टीम के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे। यहाँ पर काजल चौधरी मैम है जो आपको टीच करेंगे वुमेन स्टडीज। इसके बाद कविता साहू मैम आपको यूजीसी पेपर 1 पढ़ाएंगे और सी पी यादव सर आपको जो है पेपर 2 पढ़ाएंगे, सोशल वर्क बाय लैंग्वेज, और मैं आपको हिंदी में टीच करूंगा। ओके, ये हमारी जो है टीम है। हमारे कांटेक्ट डिटेल से आप वाकिफ हो जाइए, क्योंकि कांटेक्ट के बिना तो आप उनसे कैसे जुड़ेंगे फिर, है ना। तो ये हमारा कांटेक्ट है, जिसमें ये हमारा कांटेक्ट नंबर है 9454058339। बहुत ही सरल नंबर, याद भी हो जाएगा अगर ट्राई करोगे तो। ये ईमेल है, ठीक है, तो रजिस्टर करिए तुरंत, क्योंकि एक एक दिन जो है कम पड़ता जाए। तो ओके गाइस, ये हमारी टीम है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हम आपको आज की क्लास के डिस्कशन पर ले जा सकें। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सोशल मीडिया का ही जमाना है और इस वजह से सोशल मीडिया के बारे में आपको सूचित करना जरूरी है। जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिसे आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपडेट दी जाती है। टेलीग्राम पे पर डे क्वेश्चन पोस्ट होते हैं, तो टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ें। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन पर डे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी करें, ठीक है, और लाइक शेयर भी करें। ये फेसबुक पेज है, इससे भी जरूर जुड़ें, क्योंकि फेसबुक पेज पर विभिन्न प्रकार की जानकारी शेयर की जाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो आज का टॉपिक है, वो क्योंकि हमने आपको बताया ही है, हमारा आज का टॉपिक टिस यानी कि डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ। एक क्रैश कोर्स के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है टिस। टिस का फुल फॉर्म टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। और आज इस टॉपिक के पढ़ने के बारे में आपको टिस से संबंधित कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, कभी कोई क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं फंसेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा जो है इसके प्रारंभ से लेकर अब तक जो महत्वपूर्ण चीजें थी सब इसमें एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टिस है, जिसे हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1936 में, और जब इसकी स्थापना होती है तब इसका नाम होता है सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इस नाम से इसकी स्थापना की जाती है। दोराबजी टाटा जो है जमशेद जी टाटा के पुत्र थे, और दोराबजी टाटा का कार्यकाल 1859 से 1932 था, ठीक ये इनका टाइम पीरियड था, किसका, दोराबजी टाटा का। 1932 में एक ट्रस्ट बनता है, 1932 में एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट का नाम क्या है, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट के थ्रू ही ये 1936 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये इसका एक संक्षिप्त बैकग्राउंड है, आइए इसके बारे में अन्य चीजें देखते हैं। तो 1936 में इसकी स्थापना हो जाती है, और 1944 में इसका नाम बदला जाता है, और ये जब जो इसका पहला नाम था दोराबजी टाटा ग्रेजुएट, इसके स्थान पर इसको नया नाम दिया गया, और नया नाम इसका हुआ टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, ठीक है, यानी कि टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये संस्थान प्रगति कर रहा होता है, 1964 में यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी एक्ट के थ्रू, यूजीसी एक्ट की धारा 3 के तहत इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। और ये सामाजिक कार्य शिक्षा के लिए यानी समाज कार्य शिक्षा के लिए एशिया का सबसे पुराना संस्थान है। तो गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है
चीजें हैं इसके बारे में, किसके बारे में, तो इसे आप जरूर याद रखना। एग्जाम प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। चिकित्सा एवं मनोविकृति संबंधी समाज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व प्रथम बार टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने ही लिया, यानी टिस ने ही लिया, ये प्रश्न इस बार आया भी था। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा करते हैं। इसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट चीजें जो टिस से संबंधित हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो सब हमने कवर किया है। तो इस तरह की PDF पाने के लिए हमारे बैच को ज्वाइन करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में देखें, संक्षिप्त परिचय के बारे में देखें, तो जैसा कि हमने बताया 1936 में इसकी स्थापना होती है। तो इसके पहले निदेशक कौन है? पहले निदेशक है क्लीफोर्ड, डॉक्टर क्लीफोर्ड मैंसर। ठीक है, इसके बाद 1936 में बाल मार्गदर्शन क्लिनिक पहली क्षेत्रीय कार्यवाही परियोजना शुरू की गई इसमें, और आज इसे मुस्कान बाल और किशोर मार्गदर्शन केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक परियोजना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे आप याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। 1940 में एक जनरल प्रकाशन इसका ये शुरू करता है, टिस्क के द्वारा शुरू किया जाता है, और ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, आया है। भारतीय सामाजिक कार्य पत्रिका इसका नाम है, इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, 1940 से इसका प्रकाशन कंटिन्यू हो रहा है और बिना किसी रुकावट के, और ये त्रैमासिक जो है समीक्षित पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका है, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। ठीक है, लगातार जो है ये प्रकाशित हो रही है। 1944 में जो सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है, उसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज हमने ऊपर डिस्कस की, क्या बना, क्या किया गया, टाटा समाज विज्ञान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, आइए आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और इस क्रम में हम ये देखेंगे कि वो सारी महत्वपूर्ण चीजें जो टिस से संबंधित पूछी जा सकती है, मैंने सब यहाँ पर कवर किया है। ओके, 1947 में भारत का विभाजन होता है, आपको पता ही है। उस दौरान बहुत सारी चीजें जो है ऐसी थी जिनमें समाज कार्य विज्ञान संस्थान जो हमारा ये टिस है, ठीक है, इसने भी जरूरतमंद लोगों को और प्राकृतिक आपदाओं से जो पीड़ित थे उन लोगों के लिए राहत टीमें भेजी, और ये परंपरा आज भी चल रही है। 1954 में इसके मुख्य परिसर की स्थापना होती है, पहले ये जो परिसर था 1954 में से मुख्य परिसर मिला। ठीक है, आज ये मुख्य परिसर जो है कहाँ पे है, ये संस्थान देवनार मुंबई में है। इसके बाद लगातार इसमें परिवर्तन होते गए, मैंने बताया भी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे 1964 में मिला है। ठीक है, UGC अधिनियम की धारा 3 के तहत। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1967 में श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंधों में समाज कार्य की विशेषज्ञता एक स्वतंत्र मास्टर डिग्री कार्यक्रम जो है शुरू किया जाता है। ये सब चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं, लेकिन 1969 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होती है, संस्थान का पहला शोध इकाई, ठीक है, जिसे बच्चों और युवा अनुसंधान इकाई यूनिसेफ के समर्थन से स्थापित की जाती है। तो इसका नाम याद रखना, बच्चों और युवा अनुसंधान इकाई। इसके बाद हम बात करते हैं 1980 की। 1980 में भी कुछ प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, या आप देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं 1986 में एक ग्रामीण परिसर की अवधारणा जो है सामने आती है, और महाराष्ट्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसके लिए सिंध फाल गांव में, जो कि तुलजापुर तालुका उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर 100 एकड़ भूमि दान करता है, और इस प्रकार इसका एक परिसर 1986 में सिंध फाल में स्थापित होता है। ठीक है, 1988 में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है, UGC द्वारा समाज कार्य शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकास केंद्र के रूप में इसको नामित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल वर्क के जो है विकास में, डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं PDF के माध्यम से, इसको आप बाद में देख लेना। अभी यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। इसी तरह के PDF पाने के लिए हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्स को, जो क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है कम, बहुत कम दामों में। 2002 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसे हम NAC कहते हैं, NAC के बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संस्थान को 5-स्टार रेटिंग दी जाती है, किसके थ्रू? NAC के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक उपलब्धि थी इसके लिए। 2005 में लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अस्थायी विकास में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें इससे संबंधित, अन्य महत्वपूर्ण वर्ष 2007 में कुछ प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं, कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। 2008 में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। 2011 में जब प्लेटिनम जयंती ये मना रहा होता है,
संस्थान तो महत्वाकांक्षी और पथ प्रदर्शक एक एमवर्ड परियोजना शुरू की जाती है। 2011 में ही गुवाहाटी और हैदराबाद में दो इसके कैंपस स्थापित किए जाते हैं। टोटल 4 कैंपस अब तक इसके हो गए हैं, ठीक है। और मैंने ऊपर डिस्कस किया 2 कैंपस के बारे में और 2 कैंपस में। इसके बाद हम इसके दृष्टि यानी कि इसकी जो विजन है, इसका जो मिशन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका जो विजन है वो क्या है? उत्कृष्टता से उच्च शिक्षा में एक उत्कृष्टता एक संस्थान बनना है जो ज्ञान और विकास और उपयोग के माध्यम से बदलती सामाजिक वास्तविकताओं का लगातार जवाब देता है, ठीक है। और कैसा? जन केंद्रित है, पारिस्थितिक रूप से अस्थायी और महा न्यायपूर्ण समाज बनाने के दिशा में सभी के लिए गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार को बढ़ावा देता है, उनकी रक्षा करता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसके विजन में शामिल है। और विजन के बाद हम इसमें देखते हैं इसके मिशन में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं, उसको देख लेते हैं। मिशन में बताया गया है कि ये अपने दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, ठीक है, ताकि अभ्यास, अनुसंधान और शिक्षण के लिए सक्षम और प्रतिबद्ध पेशेवरों का विकास हो सके। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है इसके जो है मिशन में बताई गई। इसके बारे में हम जो है डिटेल से देखेंगे अगली क्लास में। और यहाँ पर कुछ अन्य बातें इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका इसकी जो हालिया उपलब्धियां हैं, रिसेंट जो इसकी उपलब्धियां हैं उनको देखते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ शुरू किया गया है, परियोजना है ये, ठीक है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सारा डिस्कशन करना तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है टिस निरंतर प्रगति कर रहा होता है और जो है बहुत सारी संस्थाओं के साथ ये निरंतर कोलाब्रेशन करते हुए पार्टनरशिप के थ्रू और अन्य प्रकार के माध्यम से ये अपने आप को कार्य क्षेत्र को डेवलप कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी के बाद 2004 में ये सुनामी आई थी, आपको याद होगा 2004 में बहुत ही तगड़ी सुनामी आई थी, ठीक है। टिस ने स्थानीय समुदाय के सतत विकास में क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया था। टिस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है स्वास्थ्य नीति अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए एक सहयोग केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि टिस से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं और समाज कार्य के बैकग्राउंड से संबंधित है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के साथ एकीकृत पर्वतीय विकास काठमांडू, टिस ने हिमालय विश्वविद्यालयों के 25 विश्वविद्यालयों का एक संघ स्थापित किया है, ठीक है। तो इसमें अफगानिस्तान, उप महाद्वीप, चीन से पर्वतीय विकास और जुड़े प्रत्यन प्रशिक्षण अनुसंधान शामिल है, ये चीजें भी आप देख सकते हैं। अन्य बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हमने कवर की हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेगी परचेज कोर्स में, तो आप वहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। शासन प्रशासन की अगर हम बात करें तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक शासी बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें संस्थान के संकाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इसका शासन चलता है। निदेशक की अगर हम बात करें तो मनोज कुमार तिवारी इस समय इसके निदेशक हैं। इसके बाद हम जो है अगर एनआईएफ रैंकिंग में इसकी हम बात करें तो एनआईएफ रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालयों में इसकी रैंक 98 थी, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम कुछ और चीजें देखें टिस के प्रमुख निदेशक के बारे में, तो पहले निदेशक हमने ऊपर ही बताया क्लिफोर्ड मेंस जो है सर से। इसके बाद हमने देखा कि अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रोफेसर मनोज तिवारी है। कौन है? प्रोफेसर मनोज तिवारी। एक सेकेंड, तो प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी जो है वर्तमान में इसके निदेशक। तो ये रही आज का हमारा डिस्कशन। ये वीडियो आपको कैसे लगे जरूर बताएं, और इसी तरह के कोर्स जो है पढ़ने के लिए हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। इसी तरह के पीडीएफ नोट्स पाने के लिए पेड कोर्स को ज्वाइन करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा पेड कोर्स अवेलेबल, तो निसंकोच आप किसी भी भाषा में तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में जो भी आपको डाउट होंगे वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अन्य किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है कोर्स से संबंधित, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।